बीकानेर स्थित करणी माता मंदिर परिसर में 11 फीट लंबे व 8 फीट चौड़े शिवलिंग का श्रृंगार ऑस्ट्रेलियन घास से किया गया। इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। पुजारी अशोक का कहना है कि भगवान शिव के भक्तों ने विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया से ओरिजिनल घास मंगवाई और उससे भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। आज सावन का सोमवार है और सोमवार के दिन खास तौर पर भगवान शंकर यानी शिव महादेव की पूजा होती है। आप हमारे ठीक बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं एक अनूठा ऐसा शिवलिंग जो कि 11.25 फीट लंबाई लिए हुए शिवलिंग है और 8 फीट चौड़ा शिवलिंग है। अपने आप में अनूठा इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑस्ट्रेलियन घास के द्वारा श्रृंगारित यह शिवलिंग है। अपने आप में बेहद ही खूबसूरत कहा जा सकता है कि देखने में नजारा है और श्रद्धालु यहाँ पर बराबर पहुंचते हैं और दर्शन करने, और स्पेशल सावन का सोमवार है तो इसे तैयार स्पेशल किया गया है। बात करेंगे यहाँ के पुजारी से। अशोक जी बताएं क्या किस तरह का ये हर हर महादेव जी बताएं। ये भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया गया है और ये शिवलिंग जो है घास से बनाया गया है, प्राकृतिक घास है, ये आर्टिफिशियल घास नहीं है, प्राकृतिक घास है और ये ऑस्ट्रेलिया की घास है जो अपने मंगाई है और 11.25 फुट का है, दिव्य है। और भगवान शंकर को जो घास चढ़ाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं जिसे अपने दुर्वा कहते हैं, तो दुर्वा चढ़ाने से बुध ग्रह की शांति होती है और राहु द्वारा जो अनिष्ट होता है उसे बचा जा सकता है। तो ये आपके मन में किस तरह से ख्याल आया कि यहाँ पर इस तरह की शिवलिंग को घास से सजाया जाए? भगवान शंकर ने ही प्रेरणा दी है और क्योंकि दुर्वा चढ़ाने का भगवान श्री गणेश को, भगवान शंकर को बहुत महत्व है, इसी कारण मन में ख्याल आया क्यों न पूरी दुर्वा से ही भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाए। तो ये आप भी दर्शन करने हैं? हाँ, दर्शन करने के लिए यहाँ, ललित नाम है मेरा जी, और यहाँ दर्शन करने के लिए रोज आते हैं मंदिर में। तो जैसे कि पता चला कि शिवलिंग बनाया है पंडित जी ने घास के द्वारा, तो बहुत अच्छा लगा शिवलिंग देख के और महादेव के दर्शन करके बहुत खुशी हुई। अमूमन देखने में नहीं आता कि देखने में नहीं मिलता कि घास के द्वारा या जो भी ओरिजिनल घास है वो इस टाइप का शिवलिंग देखने के लिए नहीं आता। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से ये सजावट की गई है और ये ऑस्ट्रेलियन घास के द्वारा ये सजावा, ये शिवलिंग है, अनूठा है क्योंकि सावन का सोमवार है तो विशेष रूप से पूजा भगवान शंकर की, महादेव की और खास तौर पर शिवलिंग की जाती है। श्रद्धालु बराबर यहाँ पर आ रहे हैं। बीकानेर के उपनगर गंगा शहर में यह शिवलिंग स्थित है जो कि करणी माता के मंदिर परिसर में बनाया गया है।